तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। अगर बेसिकली इसमें देखोगे तो क्या कह रहे हैं कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन द अब्सेंस ऑफ एयर ड्रैग इज शोन इन बाई डॉटेड लाइन। ये जो डॉट वाली लाइन है, दिस इज द डॉटेड लाइन। तो ये जो डॉटेड वाली लाइन है, ये नो एयर, अगर एयर नहीं है तब उस वक्त पाथ है, मतलब रेंज जो है ये वाली चीज है। इफ द एयर रेजिस्टेंस नॉट इग्नोर, अगर मैं एयर को काउंट करता हूँ तो विच आर द फॉलोइंग पाथ मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखो, हम सबको पता है, ये बात आपको याद रखना, अगर एयर का रेजिस्टिव फोर्स काउंट करने लगोगे तो एयर का रेजिस्टिव फोर्स काउंट करने से क्या होगा, जैसे मैक्सिमम जो रेंज है वो रेंज है वो 2u² साइन थीटा कॉस थीटा और अपन जी है। मैक्सिमम हाइट जो है वो u² साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी है, 2g है। तो अगर एक अलग से एक्सलेशन काउंट करना स्टार्ट कर दोगे, जब एयर आ जाएगा तो एक अलग से फोर्स आ जाएगा, एक अलग से फोर्स आ जाएगा तो एक अलग से एक्सलेशन आ जाएगा और ये आ जाएगा अपना जी डैश। तो जी डैश विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन जी, तो ये इसकी वैल्यू, ये एक्सलेशन बढ़ जाएगा रजिस्टिव। अगर वर्टिकली अपवार्ड देखोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर वाई एक्सिस में लगाओगे तो ये वाली चीज़, और रेंज में अगर यहाँ तुम देखोगे इसको तो कुल मिला के ये, अगर ये जी की वैल्यू बढ़ती है, एक्सलेशन बढ़ जाता है, जैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाते हो वाई एक्सिस में तो बॉल ऊपर जाएगा तो एयर का ड्रैग तो नीचे लगेगा, जी भी नीचे लग रहा है। तो कुल मिला के एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि एच डैश जब एयर काउंट होता है तो मैक्सिमम हाइट और रेंज ये दोनों कम होता हो जाते हैं। वैसे भी यार कॉमन सेंस की बात है, कम ही हो जाना चाहिए। तो सी और डी तो कभी सही हो नहीं सकता, इसका बचा ए और बी। ए में क्या प्रॉब्लम है, ए में देख रहे हो मैक्सिमम हाइट एयर ड्रैग के केस में बढ़ गया है, जो कि गलत है, मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन गलत है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो अपना, मतलब ये बी इसका जो पाथ है वो सही दिखाया जा रहा है, दैट इज ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।